दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के 24वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 8 मई 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2020 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को दोबारा से शुरू करने के लिए विचार कर लिया है। इसके अलावा भी 5-6 काफी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम नजर डालते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों पर। तो पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही आईपीएल 2020 को लेकर, जो आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब यह न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि आईपीएल 2020 इसी साल डेफिनेटली होने वाला है। किसी भी हालत में आईपीएल 2020 को कैंसिल नहीं किया जाएगा। हालांकि यहां पर आईपीएल 2020 के फॉर्मेट में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यहां पर आईपीएल के पूरे सीजन को बिल्कुल आधा कर दिया जाए, 30 मैच खेले जाए, या फिर 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटकर टी20 वर्ल्ड कप की तरह यहां पर आईपीएल 2020 का आयोजन किया जा सकता है। इससे यह टूर्नामेंट छोटा हो जाएगा। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को फर्दर नोटिस तक सस्पेंड कर रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर। जी हां, फाइनली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को दोबारा से शुरू करने के लिए अपना अंतिम फैसला ले लिया है और जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के ट्रेनिंग सेशन शुरू होने वाले हैं, जो मई के एंड में ही शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 को लेकर ही, क्योंकि मोहम्मद शमी ने आईपीएल 2020 को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के मुताबिक इस साल आईपीएल का आयोजन लगभग असंभव है। स्पोर्ट्स तक के साथ हुए इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद शमी से यह सवाल पूछा गया कि क्या इस साल आईपीएल का आयोजन हो पाएगा, जिसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि आईपीएल 2020 होना असंभव है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। जी हां, भारतीय टीम के प्रो कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने मेंटल हेल्थ को लेकर अपनी खास राय रखी है। उन्होंने कहा कि मेंटल कंडीशनिंग कोच का इस वक्त हमेशा टीम के साथ रहना जरूरी है। धोनी ने कहा कि अभी भी हमारे देश में खिलाड़ी मानसिक बीमारी को बताने में झिझकते हैं, इसलिए मेंटल कंडीशनिंग कोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है हरभजन सिंह की तरफ से। जी हां, हरभजन सिंह ने कहा, पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। जब भी हम मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले तब ये भारत पाकिस्तान मैच की तरह लगा। मुंबई और चेन्नई के खिलाफ मैच हमेशा काफी कांटे की टक्कर का होता है। मैं अचानक से नीली जर्सी में नहीं था और पीली जर्सी पहनकर मैदान में खड़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है डेविड वार्नर की तरफ से। जी हां, डेविड वार्नर ने भारत ऑस्ट्रेलिया ऑल टाइम आईपीएल 11 टीम का चयन किया है। चलिए नजर डालते हैं उस टीम पर। तो ओपनिंग करने उतरेंगे उनकी तरफ से रोहित शर्मा के साथ डेविड वार्नर, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर सुरेश रैना, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 8 पर मिचेल स्टार्क, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर आशीष नेहरा और नंबर 11 पर कुलदीप यादव या फिर युजवेंद्र चहल। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर भी निकल कर आ रही है डेविड वार्नर और जोनी बेस्टो को लेकर। जी हां, डेविड वार्नर ने ऐसा कहा कि मैं और जोनी बेस्टो कभी एक दूसरे के साथ नहीं खेले थे और ना ही एक दूसरे के खिलाफ खेले थे। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही हमने पहला नेट सेशन किया ऐसा लगा कि हम लोग एक दूसरे के गेम को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों ये है आज 8 मई 2020 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।